हेलो जी, हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो फ्रेंड्स, चलिएगा करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में अंत तक। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वंदना सो के उठ चुकी है और ये बैठी हुई है बेड पर। तो बेड पर सारी जाई मैंने उठा दी है और ये पड़ी है वंदना के डैडी के साथ। तो इस पर लगा दिया है बिस्तर। तो गौरी यहाँ पर सोई हुई है, तो गौरी को मैंने सुला दिया है। तो अब करूँगी कि मैं काम। वंदना के डैडी जा चुके हैं ड्यूटी, तो मैंने उनका टिफिन बना दिया था। दाल रोटी बनाई थी आज मैंने। तो वंदना के डैडी जा चुके हैं ड्यूटी पर, तो अब करते हैं हम अपना बाकी का काम। तो चलिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद में लगाएंगे पोछा वगैरह। तो बाकी का काम निपटाऊंगी और फिर आज मेरे को बनाने हैं, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोच रही कुछ बना लूँ आज अलग सा। तो वंदना के डैडी ने वैसे तो सामान तो ला के रखा हुआ है, लेकिन गौरी के साथ में ना टाइम नहीं लग पा रहा मेरा बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही थी सांदा डाल लूँ या गोंद के लड्डू बना लूँ। तो देखती हूँ आज टाइम निकाल के बना लूँगी, फिर सर्दी चल जाएगी, क्या फ़ायदा होगा, बन भी नहीं पाएगी। और कुछ सर्दी के मौसम में तो खाने ही अच्छे है। और मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है और कमर में भी ठंडी की वजह से। तो इसलिए मुझे थोड़े से लड्डू भी बनाने हैं गोंद के। तो थोड़े से लड्डू बनाऊँगी और थोड़ा सा सांदा डाल लूँगी। और वंदना पूछ रही थी मम्मा आज आप क्या बनाने वाले हो, तो वंदना को मैंने नहीं बताया है। फ्रेंड से निकाल लिया है मैंने सामान, ये छुआरे और ये है गोंद और ये बादाम और ये मखाने और ये है कद्दू। और अम्मा ने चढ़ा दिया गैस पर, कढ़ाई लेके आ गई, गैस तो ऑन नहीं करी तो मैं कढ़ाई लेके आ गई। तो अब मुझको ये सामान भूनना है, मखाने और गोंद को भूनना है और बादाम भी हल्के से फ्राई करने हैं और कद्दू भी, और छुआरे काट के इनको माम रिश्ते में कूट लूँगी। और माम रिश्ता भी लेके आ गई हूँ मैं, पहले ही अपना सारा सामान की सुविधा कर ली है मैंने रसोई में ही। तो अभी गोरी सोई हुई है, तो प्यू चेक करके देख रही क्या है ये। बादाम लेओगे? तो प्यू को चाहिए बादाम, मैं देऊँगी बेटा, आपका हाथ नहीं जाने का। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी है किचन में। तो अब मुझे करना है ये सारा सामान फ्राई। सबसे पहले तो मैंने सारा सामान मंगा लिया था वंदना के डैडी पर, ये रखा हुआ है सारा सामान जो जो सामान लेके आई हूँ। तो मैंने पहली बार ही बनाऊँगी मैं गोंद के लड्डू, तो मैंने अब से पहले बनाए थे है नहीं। तो चलो, मैंने फ़ोन में ही देखा था, तो इस जैसे फ़ोन में देखा था बिल्कुल ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देखा था मैंने, तो ऐसे ही बना के देख लेती हूँ जैसे इसमें बनाए थे। तो जब कोशिश करते हैं तो बना भी लेंगी, कोशिश करते हैं तो बनाने वालों की कभी हार नहीं होती। जब कोशिश की मैं करूँगी मैं तो बन भी जाएंगे हमारे लड्डू, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं बनाने की बिल्कुल कोशिश करी। और इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, तो हमारा घी गर्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसमें थोड़े थोड़े गोंद डाल के भूनूँगी। तो गोंद भून के बहुत सारा हो जाता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए भून रही हूँ कि कहीं ये जल ना जाए। तो मेरे से भूनना तो अच्छा नहीं, तो मैंने सोचा कोशिश कर लूँ। तो देखो अच्छे से भूनना, अभी देखो कितना अच्छा भूनगा। थोड़ा सा भून के निकाल लिया मैंने, तो ऐसे ही मैं सारा भून लूँगी। देखो कितना मोटा मोटी होती जाती है ये गोंद। और मखानों का तो बस थोड़ा सा कलर ही चेंज करना, तो फोन में देख देख कर बना ही लूँगी जैसे भी बनेंगे। तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर कैसे बनेंगे। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, ये अच्छे से फूल की सारी। तो ये देखो हमारा गोंद भुन का होगा तैयार, तो देखो कितना सारा होगा। और इधर मैंने डाल दिया इसमें मखाने, तो साथ साथ मखाने भी फ्राई कर लूँगी और साथ ही फूल बनाएंगे। तो फिर मुझे इनको हल्का सा प्रेस करना, माम रिश्ते में खोट लूँगी, क्योंकि मिक्सी जो है हमारी ख़राब हो रही है। तो माम रिश्ते में ही इनको खोट लेंगे हल्के से। और ये देखो वंदना को रजाई में तो बैठना नहीं था, और यहाँ पे
मैंने इसके बैग में के लिए सोवे डाल दिया ताकि इसे ठंडा ना लगे। और यहाँ पे किचन में ही बैठा लिया, ये खा लिया है गोला और मखाने। फ्रेंड्स मखाने हमारे, तो फ्रेंड्स मखाने हमारे बन चुके हैं। और इधर मैंने डाल ली है बादाम और कद्दू एक साथी, क्योंकि गोरी सो का उठ गया तो भून कर रखा जाएगा। सबसे पहले इसको खिलाना है ये दूध, तो बाद में भून लेंगे कड़े हो तो इनको खोटना बाकी रह जाएगा। और छुआरों में से दूध निकालना, तो गोरी को दूध खिलाते खिलाते छुआरों में से दूध निकाल। तो फ्रेंड्स इधर हमारा बेसन भी भून गया लगभग से, और इधर मैंने गोला कद्दूकस कर दिया है ये, और ये हमारा सारा सामान भून गया है। और अब मैं इसमें मार लेती हूँ हल्की हल्की सी चोट, इनको थोड़े से क्रैश से करना है तो मैं रिश्ते में कर लूँगी। तो ये है हमारा देसी नुस्खा, देसी नुस्खा यह है। कमर में दर्द, चारों हाथों में कमजोरी, थकान, इसके लिए गोंद के लड्डू सर्दी में तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि गोंद होती है गर्म। तो हमारे इधर बेसन भी बन गया, तो गैस को कर देती हूँ बंद, और इधर हर सामान को परात में कर लूँगी मिक्स। तो गोला तो मैंने कद्दूकस करके डाल लिया, क्योंकि मेरे पास तो सूखा नारियल, सॉरी नारियल का बरूदा नहीं था, तो मैंने इसलिए इसमें गोला ही कद्दूकस कर लिया है और इसको इसमें डाल दिया। और अब ये हमारे सारे सामान भी ठंडे हो गए, तब इनको क्रैश कर लेती हूँ। सारा सामान कूट लिया है मैंने, ये बादाम और कद्दू, मखाने, गोंद, बेसन और ये गोला, और इधर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में चूल्हे। तो इसका चूल्हे को अच्छे से कर लेंगे, गोल लेंगे, खत्ता सा लगाना है बस। और उसके बाद मैं ये इसमें मिला कर आराम से लड्डू भोज लूँगी मैं। तो ये देखो, अब जब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती तब तक हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो चलिएगा फ्रेंड्स, सब लग जाती हूँ मैं अपनी प्रक्रिया में से मिक्स करने के लिए। तो ये देखिएगा हमारा सारा सामान अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये चाशनी भी बन के हो चुकी है तैयार। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर मैं इसमें प्रात में ही मिक्स कर लूँगी। तो ये देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली, और ये देखो हमारी, तो इससे बन जाएंगे अभी थोड़े से हुआ ना, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर ली है। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे गोंद के लड्डू बन के हो चुके हैं तैयार। तो मैंने आखिरकार बना ही दिए गोंद के लड्डू, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो वंदना ने खा लिया है, तो वो मांग रही थी फिर भी, तो मैं उसको दे के आती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइएगा सर्दी के मौसम में गोंद के लड्डू खाने के लिए। तो सर्दी में गोंद के लड्डू खाने बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने इसीलिए बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया डिलीवरी को, तो कुछ ऐसा बनाया भी नहीं था। तब तक तो डॉक्टरों ने मना कर रखा था, फिर बनाया नहीं, शादी में जा लिया वंदना के मामा की,
जब से अब बनाए हैं, वैसे थोड़ा सा घी वगैरह फल फ्रूट तो चल ही रहे थे, लेकिन ताकत सी किट तो ये एक लड्डू के साथ में और एक गिलास दूध, तो ये मैंने बना दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए। तो अब मुझे बनाना है, किसी दिन टाइम लगेगा तो थोड़ा सा छुआने का सामान और रेडी करना है टाइम मिलते ही।